Vayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार आज की हमारी इस जापानी भाषा एक परिचय की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है उन लोगों का भी स्वागत है जो आज पहली बार ये हमारा कोर्स देख रहे हैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन आशा करते हैं कि इस क्लास से आप सबको फायदा होगा और आप जापानी भाषा बहुत आसानी से बोल सकेंगे समझ सकेंगे और लिख भी सकेंगे तो आज हम लोग कुछ नया करेंगे जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं अपनी क्लास में उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेशंस करेंगे कुछ आज एक हम आपको नई चीज़ बताएंगे अंत में और जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं हम लोग काइवा भी सुनेंगे उसका अभ्यास भी करेंगे तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या है आज हम अपनी कक्षा में करेंगे अरिमास जैसा कि आपको दिख रहा है पार्टिकल नी करेंगे जो आप पहले भी कर चुके हैं लेकिन उसको अलग प्रकार से उसका प्रयोग किया जाएगा फिर पार्टिकल दे करेंगे ये भी आप कर चुके हैं इसको नए प्रकार से कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं वो आपको बताएंगे इसी के साथ नान दे प्रश्नवाचक के साथ दे कैसे प्रयोग होता है और गोचिसो समा हमारा एक्सप्रेशन है और आज इस लेसन में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है अरिमास अरिमास यानी कि किसी भी वस्तु की मौजूदगी उपस्थिति को बताना तो ये करेंगे लेकिन उससे पहले हम एक ऑडियो सुनते हैं और उसमें पार्टिकल दे कैसे इस्तेमाल किया गया है कैसे उसका प्रयोग किया गया है उसके बारे में जानते हैं आज तक एक ही मास का Kyotoへ行きます. पिछले हमारे क्लास में हमने पार्टिकल दे किया है दे किस तरीके से प्रयोग में आया है किसी चीज की मदद से हम कोई कार्य करते हैं तो आज पार्टिकल दे कैसे यूज होता है उसका कैसे प्रयोग किया जाता है आइए देखते हैं सबसे पहले मीरा सान तो ताना का सान नो काइवा देस दो जनों का काइवा है ये पूछ रहे हैं कि कल आप कहाँ जाने वाले हैं उन्होंने बताया क्यो तो जाने वाले हैं क्यों तो जो है एक शहर का नाम है जापान में और आपकी जानकारी के लिए जापान की पुरानी राजधानी क्यों तो थी नान दे इकी मास का शिंकानसेन दे इकी मास नानजीनोदेनशा दस का कितने बजे की ट्रेन है आसा हाची नो देशा देस यानी कि ट्रेन आपने ये पहले किया हुआ है तो इसी का एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ लिखा है आपके लिए आपकी सुविधा के लिए आप इसको पढ़िए और समझने का प्रयास करिए अब हम आपको बताते हैं कि दे कैसे प्रयोग किया गया है देखिए जैसा कि हम बता रहे थे दे अभी तक आपने किया है कि किसी की मदद से आपने कोई कार्य किया जैसे कि वाताशिवा स्पून दे गोहान ताबे मास या वाताशिवा ते दे ते दे गोहान ओ ताबे मास ते दे ते की मदद से हाथों की मदद से गोहान ओ ताबे मास यानी कि खाना खाते हैं या स्पून दे गोहान ओ ताबे मास आज जो हम करने जा रहे हैं वो है वाहन यानी कि किसी वाहन की मदद से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं एक्स दे प्लेस ए इक्की मास यानी कि कुरमा दे काइशा ए मास काइशा प्लेस हो गई तो प्लेस ए इक्की मास जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जब किसी वाहन का प्रयोग किया जाता है तो उसको दे द्वारा दर्शाया जाता है आपने करा और मादे भी किया हुआ है तो प्लेस वन से प्लेस टू एक्स दे इकिमास। तो टोक्यो, टोक्यो करा ओसाका मादे को दे, इकी हिको की दे इकी तो प्लेस वन तो रा दे प्लेस वन करा प्लेस टू मा दे किसी चीज के द्वारा हम अपने आप को यहां से वहां ले जाते हैं तो तब दे का प्रयोग किया जाता है जो भी आप व्हीकल यूज करते हैं चाहे गाड़ी हो चाहे बस हो चाहे चाहे ट्रेन हो चाहे बोट हो जो भी हो जितेंशाह हो उसके द्वारा आप कहीं जाते हैं बस के द्वारा गाड़ी के द्वारा बोट के द्वारा आप किसी भी चीज से जाते हैं उसके बाद आपको दे का प्रयोग करना पड़ता है जाते हैं जैसे अब आप देखिए दैनशा दे कायरी मास मैं देनशा से वापस आता हूँ या जाता हूँ कुरमा दे देरी ए इक्की मास कुरमा से कुरमा की मदद से मैं दिल्ली जाता हूँ तो कोई भी व्हीकल का प्रयोग जब आप करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए तब उस व्हीकल के बाद आप दे लगाते हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए ये दे प्रयोग में आता है आपके लिए एक छोटा सा कायवा है यहाँ पे नान दे कायशा एक ही मास का नान दे नान आपने किया है नान क्वेश्चन वर्ड है प्रश्नवाचक है नान दे किस चीज से आप कायशा जाते हैं था दे एक मास टैक्सी से मैं जाता हूँ तो देखिए दे का प्रयोग दोनों बार किया गया है अब आप अभ्यास कर सकते हैं नाम दे कायशा ए इकी मास का वाताशिवा, शिवा बस कायशा ए इकी मास दोबारा आप फिर कर सकते हैं नाम दे कायशा ए इकी मास का जितन्षा दे, दितेनशा यानी कि साइकिल जितेन्शा कायशा ए इकी मासन भी है तो नाम दे कायशा ए मास का फिर से बताइए सिंका दे का मास अब आपके पास ये गाड़ी बनी हुई है यहाँ पे तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं नाम दे ए इकी का माश्ता का खिनो खुरमा दे इता खिनो यानी कि कल आपने किया हुआ है इसकी जगह आप अन्य और भी टाइम एक्सप्रेशन का प्रयोग कर सकते हैं खिनो खुरमा दे इी माश्ता मैं कल गाड़ी से गया था ओ तो भी हो सकता है अगर एक्सप्रेशन पास्ट में है तो वर्ब भी पास्ट में होगा तो ओ तो ए इकी तो का ओ तो दे इकी मास्ता दे दे अब देखिए यहां पे ज्यूगोनिची है तो यहां पे क्या पार्टिकल आएगा जरा हमें बताइए सोच करके बिल्कुल सही ज्यूगोनिची नी कुरुमा दे कैशा ए इक्कीमाश्ता इसका अर्थ हुआ कि एक स्पेशल दिन एक कोई दिन आप कुरमा से गए थे वैसे आप चाहे बस से जाते हो चाहे से जाते हो उस दिन आप कुरमा से गए थे तो पार्टिकल क्या आएगा पार्टिकल आएगा नी ये ध्यान रखिएगा किस जगह कौन से पार्टिकल का प्रयोग करना है अब हमारी पिछली स्लाइड में और कॉन्वर्सेशन में नान दे था इसका अर्थ क्या है नान दे का मतलब है नान तो आपको पता है प्रश्नवाचक है दे अभी आपने देखा है दे एक पार्टिकल है जिसको अगर हम जोड़ दें, तो इसका अर्थ आता है कैसे किस प्रकार से सो so, नान दे कायशा इी मास का कैसे आप कायशा जाते हैं किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप कायिशा जाते हैं ये जो है आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि आप नान दे क्यों कह रहे हैं कैसे का अर्थ है ट्रांसपोर्ट के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं यह आपको बात करते समय काइवा के समय खुद ही समझ में आ जाएगा एक और नान दे है जिसका बिल्कुल अर्थ इससे अलग है नान दे यानी कि क्यों किस लिए किस वजह से तो यहाँ पे इसका अर्थ है वजह किस लिए तो यही हम आपको पहले बता रहे थे कि किस समय आपने नांदे का प्रयोग किया है वो आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि क्या अर्थ है इसका क्यों वीची ओ भी देस नांदे कायशाए की मास का आज तो निचियो ओ भी है आज तो छुट्टी है तो आप क्यों जा रहे हैं काइशा क्या वजह है जाने की माई नीची नांदे काइशा एक मास का रोज आप कैसे काइशा जाते हैं तो ये जरा ध्यान में रखिएगा कॉन्टेक्स्ट अब ये देखिए नान दे का दोनों का अर्थ हो सकता है कि नान दे कैसे और नान दे क्यों लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है किस बात के बारे में बात हो रही है क्यों काइवा हो रहा है किस बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तब आपको समझ में ये कॉन्टेक्स्ट से बहुत क्लियरली आ जाएगा कि नांदे क्यों प्रयोग किया जा रहा है अब आपके लिए छोटा सा एक अभ्यास है ये आप प्रैक्टिस करिए इसको और देखिए आप बोल पाते हैं कि नहीं तो ये किस चीज़ की तस्वीर है हाशी की है और हाशी से आप क्या करते हैं खाते हैं तो ओ हाशी दे ताबे मास अब ये बताइए ये तस्वीर है नाइफ और फोक की और आप कुछ खा रहे हैं तो कैसे बोलेंगे वाता शिवा फोक दे ताबे मास तो अब इसको बताइए कैसे आप दे पार्टिकल का प्रयोग करेंगे तो वाता शिवा बस दे इकी मास और यहाँ पे बाइक है तो वाता शिवा बाइक दे इकी मास तो इस प्रकार से आप देखेंगे बहुत क्लियर है कि कौन सा दे किस चीज के लिए प्रयोग में आ रहा है यहां पे देखिए ये है तो अब आप इसको प्रैक्टिस करिए प्रश्न पूछिए और जवाब दीजिए लेकिन जल्दी से आप ये ऑडियो सुनिए और देखिए आपको कितना समझ में आता है सुमीमा का तो अभी आपने ये ऑडियो सुना और देखते हैं कि क्या है ये कायवा मीरा और तनाका के बीच का ये कायवा है सुमीमा सेन यू बिंग क्यों कुको दस का यू बिंग क्यों कु पोस्ट ऑफिस यू बिंग क्यों कुको दस का कहाँ पर है आशोकोनी अरिमास ये एक नई चीज है यहां पर आशोकोनी अरिमास यहां पर वो पॉइंट करके बता रहे हैं आशोकोदेस यानी कि वहां पर है यानी कि वो बिल्डिंग जो दिख रही है वो मीरा सान को भी और तानाकासान को भी दोनों को स्पष्ट दिखाई दे रही है दोनों जानते हैं उस बिल्डिंग के बारे में तो मीरा फिर से पूछती है का अनो, अनो यहाँ पे फिर यानी कि दोनों को पता है कि वो किस बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो कुंकोनो धोनारी यहाँ पे ये भी आ सकता था गिंकोनो धोनारी अरिस्ट तो सीधा जवाब है उन्होंने धन्यवाद कह दिया अरी का तो अब देखिए इसमें नी अरिमास है जो कि बहुत ज़रूरी है जानना अरिमास एक वर्ब है और अरिमास के द्वारा हम ये बताते हैं कि कोई भी छोटी या बड़ी चीज किसी स्थान पर मौजूद है उसकी उपस्थिति के बारे में बताते हैं जैसा कि यहाँ पर भी लिखा है केवल वस्तुओं के बारे में ही नहीं पेड़ पौधे बिल्डिंगें शहर कहाँ पर हैं उनके बारे में बताया जाता है अरिमास का प्रयोग करके जैसे तेरबी व सोकोनी अरिमास तेरबी टेलीविजन वहाँ पर है रिंगो नोकी व की, की यानी पेड़ व असोकोनी अरिमास रिंगो का पेड़ वहाँ पर है सेब का पेड़ वहाँ पर है तो इस प्रकार से बताया जाता है इसमें पार्टिकल नी है इसके बारे में भी अभी आपको बताएंगे और इसका प्रयोग कैसे होता है अब आपको बताते हैं अच्छा अभी तक देखिए आपने किया है कि होनवा होनवा कोको व कोकोदेस ये आपने पहले पढ़ा है या होनवा सोको को या होनवा असोको दस ये आपने पहले किया हुआ है आज क्योंकि देखिए ये दिस जो है ये एक कंप्लीट वर्ब नहीं है इससे हर प्रकार की जो क्रिया से हम उम्मीद रखते हैं वो ये वर्ब नहीं कर सकता है हंड्रेड परसेंट ये वर्ब नहीं है तो इसकी जगह पर अगर हम दिखाना चाहें कि इस स्थान पर कोई वस्तु मौजूद है तो हम कैसे बताएंगे क्योंकि ये कंप्लीट वर्ब नहीं है तो हम उसकी जगह पर होन वा कोको नी नी मास इस वर्ब का प्रयोग करते हैं जो कि अपने आप में एक पूर्ण क्रिया है अब पार्टिकल यहाँ पर नी है नी क्या बताता है ये तो बताता है मौजूदगी मौजूद है यहाँ पर उपस्थिति उसकी है और ये बताता है जगह ठीक है तो पार्टिकल नी अभी तक तो आपने किया है कि समय के साथ हाची जी नी दिन के साथ गेट्सियोबी नी तारीख के साथ जीवगो नीची नी तो नी का प्रयोग आपने इस प्रकार किया है अभी तक आज आप नया प्रयोग सीखिए एक पार्टिकल नी का वो है जगह के लिए तो कोको नी अरिमास कोको यानी कि यहाँ पर मौजूद है ठीक है अभी तक आप दैस कर रहे थे दस भी बिल्कुल ठीक है दस में कोई गलती नहीं है लेकिन अरिमास के साथ आप प्रॉपर जगह भी बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पर एक पर्टिकुलर स्थान है वहाँ पर कोई चीज मौजूद है तो जैसा कि हमने आपको बताया कि नी का अभी तक आपने टाइम के साथ किया है प्रयोग दिन के साथ किया है तो आप नी का प्रयोग स्थान के लिए भी कर सकते हैं नाउन व प्लेस नी अरिमास इस प्लेस पर मौजूद है वो क्या बताता है वो लोकेशन बताता है लोकेशन एक स्थान पर बताता है और अरिमास क्या बताता है अरिमास बताता है एग्जिस्टेंस यानी कि उस स्थान पर उपस्थिति उस स्थान पर प्रेजेंट है वो चीज अब देखिए ईसुआ सोकोनी अरिमास यानी कि नाउन है ईसुआ सोको यानी कि प्लेस है नी और अरिमास इसुवा सोकोनी अरिमास पर है अगर आप हिंदी में करेंगे ध्यान से तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि एक एक शब्द के लिए आप हिंदी में उसको बता सकते हैं अरिमा सेन यानी कि नेगेटिव के साथ भी यूज किया जा सकता है पॉजिटिव के साथ भी यूज किया जा सकता है कि यीसु यहां पर मौजूद है और देनवा यहां पर मौजूद नहीं है अरिमा सेन कु सोकोनी अरिमाश्ता यानी कि कुत्सु जूते वहां पर मौजूद थे वहां पर कुछ समय पहले तक थे अब है कि नहीं है पता नहीं अरी माश्ता, पास्ट में भी यूज किया जा सकता है तो इस प्रकार आप नी का प्रयोग प्लेस के लिए कर सकते हैं कि यहां पर इस प्लेस पर कोई चीज मौजूद है अभी आपने अपने काइवा में यूबिंग गिंको इसके लिए पूछा था तनकासान युबिंकोकोवा दो देस का या अरिमास का दोनों का प्रयोग किया जा सकता है अंतर कुछ भी नहीं है असोकोनी असोको देस। तो क्या चीज है गिंको आप पूछ सकते हैं सान गिंको व दोको देस का गिंको वो अरिमास का गिंको वसोकोनी अरिमास गक्को व दोको दस का एक ही वो को दस का एक ही वसोकोनी आरिमास तो इस प्रकार से आप पूछिए छोटे छोटे कायवा करिए और उसका उत्तर दीजिए इससे जापानी शब्द भी याद होंगे कंस्ट्रक्शन भी याद होगा आपको नई कांजी भी समझ में आएगी आप पढ़ सकेंगे और कॉन्वर्सेशन करने में बाद में काइवा करने में आसानी होगी अब आप चीज़ों के लिए भी कह सकते हैं ओमोचा यानी कि खिलौने ओमोचा ओमोचावा ओमोचा का असोको असोकोदैस और असोकोनी अरिमास ईसुवा दोकोदेस का ईसुआ सोकोनी अरिमास और ईसुआ कोकोनी अरिमास अभी तक सामान था अभी तक आपने ऑफिस के बारे में पूछा या एक के बारे में पूछा या गाको के बारे में पूछा गिंको यूबिंग बिंक्योको ये सब कहाँ हैं तोशोकान, कान इन सब के बारे में भी आप पूछ सकते हैं ये सब शब्द आपने पहले किए हुए हैं अब यहाँ पर देखिए ताजमहल व को दस का तो ताजमहल एक बहुत मशहूर एक मॉन्यूमेंट है तो ताजमहल व आगरा नी अरिमास प्लेस नी अरिमास अब इसी के साथ आप कोई जगह के बारे में पूछ सकते हैं कि किसी जगह के अंदर वो चीज़ कहाँ है जैसे स्कूल में लाइब्रेरी भी होती है तो शोकान होती है क्यों होती है अलग अलग क्लासरूम्स होते हैं प्लेग्राउंड होता है तो गाको के अंदर ही प्लेग्राउंड ग्राउंड कहाँ है सो प्लेग्राउंड ग्राउंड व का प्ले ग्राउंड गाकोनी अरिमास इसी प्रकार से मुंबई व दो को देश का मुंबई व इंदोनी अरिमास एक जगह है वो किस जगह पर है इसी प्रकार से वा दो को देश का वा वीहोनि अरिमास तो आप किसी चीज के बारे में भी पूछ सकते हैं कि ये कहां पर है लेकिन अरिमास जो है वो इन एनिमेट के लिए यूज किया जाता है यानी कि जीवित नहीं है इनानिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए प्रयोग में आता है लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग में नहीं आता है इसके लिए कुछ और है अब जैसा कि हम हर बार करते हैं आपको कोई ना कोई एक नया एक्सप्रेशन बताते हैं जापानी में तो आज सुमीमा सेन आपको बताएंगे और ये कहाँ कहाँ प्रयोग में आता है ये बताएंगे इस तस्वीर में आप देखिए दो सज्जन हैं गाड़ी में जा रहे हैं ट्रेन में और एक सज्जन का दूसरे के पैर के ऊपर पैर पड़ जाता है गलती से तो वो एकदम से क्या कहते हैं या क्या कहना चाहिए तो इन्होंने बोला इता इता, इता इताई यानी कि दर्द हुआ तब इनको समझ में आया कि ये गलती से इनसे लग गया है तो ये कहते हैं सुमीमा सेन आपने सुमीमा सेन पहले भी किया है सुमीमा सेन ईमा का एक्सक्यूज मी ईमा नानजीद सुमीमा सेन का एक अर्थ है एक्सक्यूज मी लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वो है सॉरी तो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से सुमीमा सेन का प्रयोग किया जाता है जैसे कि किसी से टकराने या भिड़ने पर आप माफ़ी मांग सकते हैं देर से आने पर मीटिंग में या क्लास में या किसी से आपने अपॉइंटमेंट लिया है वहाँ पर आप देर से आए हैं उस समय आप सुमिमा सेन सॉरी कह सकते हैं आप एक्सक्यूज़ मी करके कभी भी पूछ सकते हैं कि इस फला फला जगह पर कैसे पहुंचा जाता है किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी आप सुमीमासेन कह सकते हैं यानी कि एक्सक्यूज मी कह सकते हैं जैसे कि आप कहीं घूमने गए या कहीं आप ऑफिस में बैठे हैं आपको कोई चीज़ चाहिए जो आपके पास नहीं है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सुमिमा मुझे कृपया वो दे दीजिए मी मुझे आप कृपया वो उठा करके दे दीजिए तो इस प्रकार से सुमिमा का बहुत जगह प्रयोग अन्य और भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ प्रयोग किया जाता है आज की जो हमारी सिचुएशन है वो है सॉरी की तो किसी को चोट लगे किसी से आप टकरा जाएं किसी को गलती से हाथ लग जाए तो आप सुमीमा सेन कह के माफी मांग सकते हैं एक और भी तरीका है माफ़ी मांगने का वो है गुमेनासाई गुमेनासाई हर समय नहीं प्रयोग में आता है कोई आपने बहुत ऐसी बात कर दी है जिसके लिए कि आप काफी शर्मिंदा हैं आपको बुरा लग रहा है तब आप गुमन्ना का प्रयोग कर सकते हैं बड़े लोगों के साथ अगर कोई गलती हो जाती है तब आप सुमीमा सेन की जगह गुमैन्ना का प्रयोग कर सकते हैं काइशा में गुमना का प्रयोग नहीं किया जाता है सुमिमा सेन ज्यादा प्रयोग में आता है और अगर आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा कुछ ऐसा गलत काम कर दिया है दफ्तर में जिसके लिए कि आप ही को बहुत ख़राब लग रहा है तो आप कहेंगे मोशिवा के अरिमा तो ये ध्यान रखिएगा कब गुमेनासाय का प्रयोग करना है और कब आपको सुमिमा का प्रयोग करना है गुमेनासाय वैसे भी ज़्यादातर आप आपस में कुछ बात होती है तब प्रयोग करते हैं फॉर्मल सिचुएशन में ज्यादातर नहीं किया जाता है अच्छा तो पिछली बार आपने इतादा की मास किया था इतादा की मास भी एक एक्सप्रेशन है यानी कि खाने से पहले आप धन्यवाद देते हैं जिसने भी खाना बनाया है ज़्यादातर हमारे यहाँ भी भारत में भी ये प्रथा है कि खाने से पहले भगवान को धन्यवाद दिया जाता है कि आपने जो भी खाना हमको दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर ही आप खाना खाते हैं तो इसी प्रकार से जापान में भी खाना खाने से पहले हाथ जोड़ करके भगवान को धन्यवाद किया जाता है और तभी खाना शुरू किया जाता है ये हम आपको बता चुके हैं लेकिन खाना खाने के बाद क्या कहा जाता है खाना खाने के बाद कुछ तो कहना चाहिए तो क्या कहा जाता है गोचिसो सामादेशता एक बार फिर से बोलिए गोचिसो सामादेशता यानी कि इस खाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोचिसो माने बढ़िया खाना ट्रीट को गोचिसो कहते हैं कि किसी ने आपको बहुत ही स्वादिष्ट भोजन खिलाया है उस भोजन को गोचिसो कहते हैं और क्योंकि आप अपने होस्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं इतने अच्छे खाने के लिए तो आप गोचिसो सामा कहेंगे भगवान को भी कहा जाता है सबसे पहले तो हमेशा जापानी लोग जब भी खाना खत्म करते हैं अपना तो जरूर गोचिसो सामा कहते हैं और वो भी हाथ जोड़ करके आज आपको एक नई चीज बताएंगे तो जापानी सीखते समय ये बहुत ज़रूरी है कि आप ओनोमातोपिया के बारे में जानिए अब आप जानना चाहेंगे कि ओनोमातोपिया क्या है ओनोमातोपिया ऐसे शब्द हैं जिनसे जिनके बोलने से तुरंत ही ये समझ में आ जाता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है ये कुछ साउंड्स पर आधारित हैं यानी कि ध्वनि पर आधारित शब्द हैं ये बनाए हुए शब्द हैं और हर भाषा में अलग तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है अलग तरीके से उसको बनाया जाता है जैसे कि अगर हिंदी में हम कहें आ, धक धक, तो आपको क्या समझ में आएगा कि तुरंत कुछ धड़कन के बारे में बात हो रही है या हम कहें ची ची तो आपको लगेगा चिड़िया के बारे में बात हो रही है या अगर हम कहें टर टर तो हमारे कहे बिना ही आप समझ जाएंगे कि ये मेढक की बात हो रही है या आप समझ लीजिए जैसे पानी गिरता है तो टप टप करके आवाज़ आती है तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम पानी के गिरने की बात कर रहे हैं या पानी के टपकने की बात कर रहे हैं या अगर बारिश हो रही है तो झम झम बारिश होती है हम ये कहेंगे पानी जब गिरता है तो झम झम गिरता है तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो ओनोमातोपिया कहलाते हैं तो जैसे कि घड़ी को अगर आप अंग्रेज़ी में बताएंगे कि वो चल रही है उसकी आवाज़ आ रही है तो आप कैसे बताएंगे टिक टॉक करके बताएंगे या अगर आप हिंदी में सुन रहे हैं तो घड़ी की आवाज़ कैसे आएगी टिक टिक करके आएगी या अगर स्पेनिश में वही चीज़ है तो घड़ी की आवाज़ कैसे सुनाई देती है टिक टैक करके सुनाई देती है और अगर जापानी में होगी तो वो किस तरीके से सुनाई देगी वो होगी काचिन करके सुनाई देगी तो हर भाषा में अलग तरीके से उसी साउंड को दर्शाया जाता है जैसे अगर आप देखिए जैसे अगर कुत्ता भोंकता है तो अंग्रेजी में कुत्ता कैसे भोंकता है अंग्रेजी में कुत्ता भोंकता है करके भोंकता है या हम हिंदी में देखें तो कुत्ता कैसे भोंकता है हिंदी में भौ भौ करके भोगता है जापानी में कैसे भोगता है जापानी में वान वान करके भोगता है तो हर कल्चर में अलग तरीके से उसी चीज़ को दर्शाया जाता है तो ये एक छोटा सा आपके लिए इंट्रोडक्शन है ओनो का साउंड बेस्ड शब्द हैं जिनके उच्चारण मात्र से आप समझ जाएंगे कि जो है ये इसका अर्थ क्या है इसका मतलब क्या है और फिर उनका प्रयोग कैसे किया जाता है वो भी आपको बताएंगे तो आज आपके लिए इतना ही काफ़ी नई चीज़ें आपने करी हैं काफ़ी सारा कुछ सीखा है और इसको जाके आप अभ्यास करिए इसका दोस्तों के साथ इसका अभ्यास करिए प्रश्न पूछिए जवाब दीजिए और जितने भी नए शब्द हम लोगों ने किए हैं यहाँ पे उनका अभ्यास करिए ओनो के बारे में पढ़िए इसके बारे में हम लोग और करेंगे और जो हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन किया है उसमें क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं उसके बारे में सोचिए और कहाँ पर सुमिमा सेन किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा उसके बारे में पढ़िए इसी के साथ आज यहाँ पर ख़त्म करते हैं और दोबारा फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर नमस्कार